जय हिंद स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मेमोरी का। कौन सा टॉपिक है? मेमोरी का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है मेमोरी से, तो क्वेश्चन श्योर है कि आता ही आता है। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सारी मेमोरी कंप्लीट करने की, जो जो मेमोरी का सिस्टम है सारा ही कंप्लीट करने की एक वीडियो में कोशिश करूँगा मैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखो मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या है? स्टोरेज यूनिट है। मेमोरी क्या है? स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पे हम कोई भी डेटा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कोई भी डेटा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी जो है कितने प्रकार की होती है? मेमोरी जो है हम कई प्रकार की पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी, प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी। दूसरा जो हम पढ़ते हैं प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी के बाद, प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी पढ़ते हैं? प्राइमरी मेमोरी। तीसरा जो हम पढ़ते हैं कौन से पढ़ते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम पढ़ते हैं। चौथा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सीमोस मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सीमोस मेमोरी हम पढ़ते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? तो प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी में एक तो हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स। क्या पढ़ते हैं? रजिस्टर्स पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कैश। क्या पढ़ते हैं? कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी हम पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? प्राइमरी मेमोरी में हम पढ़ते हैं रैम और हम पढ़ते हैं रोम। रैम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रैम में हम पढ़ते हैं एस रैम और डी रैम। और रोम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रोम में हम पढ़ते हैं पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम, ई ई पी रोम हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में हम पढ़ते हैं फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और आपका टेप ड्राइव, टेप ड्राइव, ये हम पढ़ते हैं। सीमोस में एक ही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। सीमोस के अंदर हम एक ही पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मेमोरी देखा जाए दो प्रकार की हम जनरली कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन देखा जाए तो मेमोरी तो बहुत सारी हैं, सारी ही मेमोरी है, ठीक है ना। मेमोरी के बिना बात ही नहीं बनेगी, मेमोरी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अब देखो, अब जो है मैं इनको जो है डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब कैश में भी दो चीज़ मेमोरी आ गई। कैश में कौन सी मेमोरी आ गई? लेवल वन मेमोरी, लेवल टू मेमोरी, लेवल थ्री मेमोरी। कैश के तीन लेवल बना दिए भाई, ठीक है। देखो कोशिश करते हैं। ये जो है आपका ये जो है सीपीयू का डायग्राम जो है ना बना दिया है। सीपीयू ये कौन सा डायग्राम है? सीपीयू है ये आपका, ठीक है। इसके नज़दीक लगते एक मेमोरी बनाई जाती है, जिस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यानी कि जिसे हम प्राइमरी मेमोरी की बजाय डायरेक्ट अगर रैम कहें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो मेमोरी लगती है वो मेमोरी लगती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी लगती है? सेकेंडरी मेमोरी लगती है, ठीक है। दो इस प्रकार से मेमोरी लगती है। इनको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लूँ ताकि जो समझाते टाइम जो है दिक्कत ना आए, ठीक है। देखिए तो है यहाँ पे बना लेते हैं हम रैम और यहाँ बना लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो इसकी हायरार्की है वो इस प्रकार से है। मान लीजिए यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे सीपीयू है, तो इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे है आपका सीपीयू। सीपीयू के जो सबसे नज़दीक होते हैं वो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं?
रजिस्टर होते हैं, उसके बाद कौन सी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है या कह लीजिए कि रैम होती है, नो डाउट। उसके बाद जो है मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, और उसके बाद अगर हम लगाना चाहें तो टेप ड्राइव हो सकती है। क्या हो सकती है? टेप ड्राइव हो सकती है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखिए अब जो मेमोरी सीपीयू के सबसे दूर होगी वो मेमोरी सबसे स्लो होगी। दूर होगी तो क्या होगी? स्लो होगी। और नज़दीक होगी तो सीपीयू के सबसे नज़दीक होगी तो क्या होगी? फास्टेस्ट मेमोरी होगी। फास्टेस्ट, फास्ट नहीं, फास्टेस्ट, यानी कि ये फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी, ये उससे थोड़ा सा स्लो है, यानी कि फास्टर मेमोरी है, ये मेमोरी फास्ट है और ये मेमोरी नॉट फास्ट, नॉट फास्ट यानी कि इतनी फास्ट नहीं है, और ये सबसे स्लो मेमोरी है, ये सबसे स्लो मेमोरी इसको कहा जाएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे ये हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या क्या पूछे जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आप ये बताइए कि रैंडम मेमोरी कौन सी है और सीक्वेंस मेमोरी कौन सी है। रैंडम मेमोरी कौन सी है, सीक्वेंशियल मेमोरी कौन सी है, रैंडम मेमोरी कौन सी है और सीक्वेंशियल मेमोरी कौन सी है। तो रैंडम होता है जहाँ कहीं से भी डेटा उठ जाए वो रैंडम होता है, सीक्वेंस होता है लगातार एक सीक्वेंस में डेटा आए वो सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। और सीक्वेंशियल मेमोरी एक ही मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप। कौन सी मेमोरी है? मैग्नेटिक टेप। बाकी सभी मेमोरी कैसी मेमोरी हैं? रैंडम मेमोरी हैं, चाहे वो रैम हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, चाहे वो डिस्कीट हो, डिस्कीट जिसको हम फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। अब जो है रैम की जो फुल फॉर्म वो क्या बनेगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या बनेगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बनेगी। किसकी फुल फॉर्म? रैम की फुल फॉर्म। रोम की क्या बनेगी? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी बनेगी। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इनकी फुल फॉर्म मैं लिख दूंगा, एस रैम की और डी रैम वगैरह की सबकी फुल फॉर्म लिख देंगे। अब और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? रैंडम का पूछ लिया, रैंडम रैम भी है अकेला, ये ना सोचना कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है तो यही रैंडम है, रोम नहीं है तो रोम भी रैंडम है, मैग्नेटिक डिस्क भी रैंडम है, फ्लॉपी डिस्क भी रैंडम है। फ्लॉपी डिस्क भी क्या है? रैंडम है। फ्लॉपी डिस्क किसकी कैटेगरी में आ जाएगी? डिस्क वाली कैटेगरी में आ जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्लॉपी डिस्क जो है आपकी, फ्लॉपी डिस्क जो है आपकी, ये भी क्या होती है? रैंडम होती है। और इसको क्या बोला जा सकता है? डिस्कीट बोला जा सकता है, इसको डिस्कीट बोला जा सकता है। क्लियर बात? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने नहीं पूछा था शायद, कि ऐसी कौन सी मेमोरी जिसको कंप्यूटर से रिमूव नहीं कर सकते। ऑप्शन आ गया आपके, मैग्नेटिक डिस्क है, डिस्कीट है, सेकेंडरी मेमोरी है, नन ऑफ दीज है। तो डिस्कीट की, डिस्कीट को हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क को हम हटा नहीं सकते। अगर मैं पुराने कंप्यूटर की बात करूं, क्योंकि इसके अंदर ही क्या होता है, पुराने की नई की बात कर लीजिए, इसके अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको नहीं हटा सकते। फिर हम इसको हटा देंगे कंप्यूटर नहीं चलेगा फिर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये बना था। इसके बाद और क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? सेमी कंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है? सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है भाई? सेमीकंडक्टर मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, दोनों प्राइमरी मेमोरी और सीमोस सेमीकंडक्टर मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी और सीमोस दोनों ही क्या है? ये आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। बाकी क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है और ऑप्टिकल मेमोरी है। यहाँ मैंने ऑप्टिकल मेमोरी नहीं ली है, ऑप्टिकल मेमोरी आप यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बाद कहीं भी उसकी जगह बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, जगह बन सकती है। अब जगह कम पड़ जाती है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? एस रैम की फुल फॉर्म, एस रैम की फुल फॉर्म वगैरह तो मेरे ख्याल से आप लिख ही लोगे, एक उसके अंदर मैं फुल फॉर्म जो है अलग से बना दूंगा एक वीडियो फुल फॉर्म की। तो देखो इसमें कोशिश कर लेना ऐसे ही समझने की। अब सीपीयू जो है, रैम को और क्या कहा जाता है? रैम को सीपीयू का वेटिंग रूम कहा जाता है, सीपीयू का वेटिंग रूम, वेटिंग रूम है ये। किसका? सीपीयू का वेटिंग रूम है, यानी कि जो प्रोसेस सीपीयू के पास जानी है वो यहाँ वेट करेगी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेगी? वेट करेगी। अब जो है ये फिजिकल मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है? फिजिकल मेमोरी है।
अब क्या होता है, इसके बीच में एक मेमोरी, क्योंकि रैम स्लो है सीपीयू फास्ट है, इसके बीच में एक मेमोरी और आ जाती है, जिस मेमोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैशे मेमोरी कहा जाता है। ये छोटी होती है रैम से, हमेशा रैम से क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। वो भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ, देखो एक मिनट, रैम के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ, सॉरी इसके डायग्राम के अंदर। तो रैम से छोटी होती है और मेमोरी का नाम है कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी। जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये कैशे मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, ये कैशे मेमोरी होती है। ये कौन सी मेमोरी तो ये कौन सी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा कि कैश का तो लेवल होता है, कैश के तीन लेवल होते हैं, कैश का लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। कैश के लेवल बना दिए, क्या बना दिए, लेवल बना दिए, लेवल वन टू और थ्री लेवल बना दिए कैश के। ये पूछ रहा है कि मदरबोर्ड पे कौन सी मेमोरी होती है। भाई अगर देखा जाए तो ये जो मेमोरी है लेवल वन जो मेमोरी है, ये सीपीयू के बिल्कुल अटैच होती है, ये सीपीयू के बिल्कुल अटैच होती है। लेवल वन की जो मेमोरी है सीपीयू से अटैच होती है। तो अगर सीपीयू से अटैच पूछे या सीपीयू पे मेमोरी पूछे तो लेवल वन का जो कैश है सीपीयू पे होता है, लेवल वन का जो कैश है वो सीपीयू पे होता है। टू और थ्री दोनों मदरबोर्ड पे होती हैं, लेवल टू और लेवल थ्री जो होती है दोनों की दोनों मदरबोर्ड पे होती हैं, दोनों की दोनों कहाँ होती हैं, मदरबोर्ड पे रिजाइड होती हैं, मदरबोर्ड पे होती हैं। क्योंकि इससे नीचे तो ये सारा मदरबोर्ड, नीचे को तो सारा मदरबोर्ड है, सिर्फ लेवल वन का कैश जो है सीपीयू के ऊपर कह सकते हैं कि सीपीयू पे होता है। और रजिस्टर जो होते हैं सीपीयू के बिल्कुल अंदर ही होते हैं, रजिस्टर सीपीयू के अंदर, जो सीपीयू के जितना नज़दीक रहेगा उतना फास्ट रहेगा, सीपीयू से जितना दूर रहेगा उतना स्लो रहेगा, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाए लेवल वन फास्ट है, टू फास्ट है, थ्री फास्ट है, तो फास्ट कौन है, लेवल वन फास्ट है। और जितना सीपीयू के नज़दीक होंगे उतना छोटा होगा, जितना सीपीयू से दूर होंगे उतना बड़ा होगा। अब आपसे पूछा जाए बड़ी मेमोरी कौन सी, बड़ा कैश कौन सा है, लेवल थ्री कैश बड़ा है। आपसे पूछा जाए फास्ट कौन सा है, लेवल वन कैश है। आपसे पूछा जाए लेवल वन कैश से स्लो कौन है, टू है, थ्री है, दोनों ही स्लो है, ठीक है ना। और लेकिन इससे रैम से स्लो नहीं है, रैम से फास्ट नहीं है, रैम से फास्ट है, यानी कि सबसे स्लो सेकेंडरी मेमोरी, उससे तेज रैम, उससे तेज कैश। कैश में कौन सा तेज, कैश में L3 स्लो है, L2 उससे फास्ट है, L1 उससे भी फास्ट है, इससे फास्ट रजिस्टर है, उससे फास्ट कौन है, रजिस्टर, उससे फास्ट कौन है, सीपीयू। सीपीयू तो सबसे फास्ट है लेकिन मेमोरी नहीं, सीपीयू तो प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्लियर बात यहाँ तक। ये चीज़ें हैं इस तरीके से जो मेमोरी के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। फिर क्या पूछा जाता है आपसे मेमोरी में, फिर आपसे मेमोरी में पूछा जाता है ये लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री कैश का अच्छे तरीके से समझ लेना। लेवल बना दिए कैश के, सिर्फ मेमोरी, मतलब मेमोरी में से डेटा यहाँ आने के, यहाँ आने के, यहाँ आने के, सिर्फ लेवल बना दिए इस तरीके से, जैसे ये लेवल बने हुए थे वैसे ही कैश के भी लेवल बना दिए, ठीक है ना। और लेवल थ्री जो है कैश, वो ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर के अंदर होता है, किसी में हो भी जाता है, हाई मेमोरी पावर वाले कंप्यूटर के अंदर हो जाता है, किसी में नहीं भी होता, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आई थिंक लेवल, तीनों लेवल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, कैश के, कैश लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री जो है कैश किस तरीके से होता है। ये सीपीयू के सबसे नज़दीक जो होगा वो सबसे फास्ट होगा, सीपीयू से सबसे दूर जो होगा वो सबसे स्लो होगा, ठीक है, और सबसे बड़ा होगा। अब आ जाते हैं, कई बार क्या होता है वर्चुअल मेमोरी पूछ लेता है आपसे कौन सी होती है, कौन सी मेमोरी पूछ लेता है, वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है, वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है। अब वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है भाई, वर्चुअल मेमोरी, देखो वर्चुअल मेमोरी को उधार की मेमोरी भी कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, उधार की मेमोरी भी कह दिया जाता है, उधार की मेमोरी भी कह दिया जाता है। ये कब होती है, ये बनती है तब जब रैम में जगह कम पड़ जाए। रैम मान लीजिए 2 GB की है, आपका गेम चला रहे हो आप, गेम है 4 GB का, तो यहाँ से जो 100 GB पड़ा है, यहाँ 100 GB पड़ा है, यहाँ से उधार ले लेते हैं मेमोरी, रैम उधार ले लेती है, रैम क्या करती है, उधार ले लेती है। और ये उधार ली गई मेमोरी को क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक। तो ये इस तरीके से मेमोरी का पार्ट है जो मैंने अभी तक सेकेंडरी मेमोरी तक बात पहुँची, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के
अंदर की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क किस तरीके से रोटेट होती है, उसके अंदर प्लेटर होते हैं, सेक्टर होते हैं, ट्रैक होते हैं, वो सारी बातें भी अगली वीडियो में करेंगे। क्योंकि एक बार में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं ये सारी चीज़ें, और अगले बोर्ड पर जो है एक ही बार में मैं सेकेंडरी मेमरी का आपको क्लियर करना चाहूँगा, और एक बार में रैम का क्लियर करना चाहूँगा कि रैम का किस तरीके से क्या सिस्टम है। ठीक है, तो अभी आइडिया आपको आ गया होगा ये सारी चीज़ें जो है इस प्रकार से होती हैं। सबसे स्लो कौन सी होती है? टेप ड्राइव होती है। सीक्वेंशियल कौन सी होती है? मैग्नेटिक टेप यानी कि टेप ड्राइव होती है। सीक्वेंस में जो चलती है वो टेप ड्राइव है। रैंडम जो होती है रैम, रोम और मैग्नेटिक होती है। सेमी कंडक्टर जो होती है वो प्राइमरी और सीमॉस होती है। फुल फॉर्म आपको इनकी पता ही होगी, या स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं जो इनकी रजिस्टर, इसके साथ स्पेशल वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी कैश के साथ रजिस्टर की, और यहाँ की एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी, और यहाँ की एक जो है स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक टेप ड्राइव वगैरह की आपको मिल जाएगी वीडियो। यहाँ तक आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि मेमोरी किस किस लेवल पे क्या क्या मेमोरी के अंदर होता है, किस तरीके से मेमोरी जो है होती है। बाकी सभी का क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा वो स्पेशल वीडियो, इसकी स्पेशल वीडियो, इसकी स्पेशल वीडियो और इसकी स्पेशल वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ये चीज़ें सभी को। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।